हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शाही पनीर। शाही पनीर खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इस रेसिपी बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं शाही पनीर बनाना। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 इंच अदरक, 6 से 7 लहसुन, 2 टमाटो, 2 मीडियम साइज का अनियन। पनीर यहाँ पे लिया मैंने 200 ग्राम और उसको हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है कुछ काजू, 3 छोटी इलायची, 4 लौंग, 4 बादाम, दालचीनी। सूखे मसाला में हम लेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, काला नमक, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, दही और तेल। तो सबसे पहले गैस ऑन करके हमने कढ़ाई रखा है, इसमें हम करीबन 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें हम ये टमाटो, अनियन, अदरक और लहसुन को डाल देंगे, बादाम, काजू सबको डाल के हम एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसे ढक्कन बंद करके 2 से 3 मिनट लो फ्लेम में पकाएंगे। 2 से 3 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए ये हल्का सा पक चुका है। तो अब हम इसे एक ब्लेंडिंग जार में निकाल लेंगे। और इसे हम ठंडे होने के बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने समय इसमें हम पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। ये जो पानी है इसे भी हम रख देंगे क्योंकि इसका हमें बाद में यूज करना है। तो अब हम 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे और तेल गर्म होते ही इसमें हम खड़े मसाला डाल देंगे और डालने के बाद तेल के साथ हम मसाला को एक बार मिला देंगे ताकि तेल में मसाला का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। मैं हमेशा तेल में हल्दी और रेड चिली पाउडर डालती हूँ ताकि ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। नमक स्वाद के अनुसार और सबको हम एक बार मिला देंगे। अब हमें ये जो टमाटो और बादाम और अदरक लहसुन का पेस्ट है इसको हम डाल देंगे और अच्छे से हम एक बार मिला देंगे सारी मसाला को। अब हम इसमें डाल देंगे दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही डालने के समय गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, नहीं तो दही जो है वो फट जाएगा। अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें सूखे मसाला ऐड करेंगे, काला नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और अच्छे से हम फिर से और एक बार मिला देंगे सबको। और अब हम इसे ढक्कन बंद करके 2 मिनट लो फ्लेम में पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम फिर से एक बार चेक करेंगे और ये जो मसाला है वो अच्छी तरह से हमने भून लिया है। अब हम ये जो पानी है इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से पानी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब हम मसाला को खलने के लिए छोड़ देंगे। मसाला खलने लगा है तो अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। ये मैंने सारा पनीर डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से एक बार मसाले के साथ मिला देंगे। सावधानी से इसे मसाले के साथ हमें मिलाना है, नहीं तो पनीर जो है वो टूट जाएगा। अब हम इसे कवर करके 1 मिनट लो फ्लेम में पकाएंगे। 1 मिनट बाद फिर से इसका हम ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए हमारा शाही पनीर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसकी कलर बहुत ही अच्छी आई है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है।
आप अपने हिसाब से ग्रेवी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम साफ करने के लिए बस इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम काट के डाल दूंगा ताकि ये देखने में भी अच्छी लगे। तो आप इस शाही पनीर की रेसिपी को आप अपने घर में जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।